एनसीपी और महाराष्ट्र के लिए शरद पवार के इस्तीफे के क्या है मायने, एमवीए गठबंधन पर पड़ेगा असर। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। अब एनसीपी और महाराष्ट्र के लिए शरद पवार के इस्तीफे के क्या मायने हैं, इस खबर में जानिए। शरद पवार ने महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक तबके को एक बार फिर झटका दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने घोषणा की कि वे एनसीपी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ रहे हैं। जिस पार्टी का गठन उन्होंने 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किया था, इस घोषणा का समय इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दो हफ्तों के भीतर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों का आयोग ठहराने की उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक दुनिया में अजीत पवार के बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन और देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सहित कई तरह की अफवाहें थीं। अजीत पवार को लेकर अटकले। एक खबर के मुताबिक सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की योजना की अटकलों से भरा हुआ था। पिछले हफ्ते मीडिया में अन्य महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र सरकार में सत्ता परिवर्तन के बारे में थी, जिसमें कहा गया था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। पवार का चौंका देने वाला कदम, शरद पवार द्वारा एनसीपी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने की अचानक घोषणा महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदलने जा रही है। जैसा कि किसी का अनुमान है कि एनसीपी महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक है, जिसकी पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठा मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। अहम सवाल यह है कि एनसीपी का नया प्रमुख कौन होगा। यह कोई रहस्य नहीं है कि शरद पवार हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले पार्टी की कमान संभालें और उसका नेतृत्व करें, लेकिन यह तय था कि पार्टी में अजीत पवार का कद और पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा सुप्रिया सुले की बागडोर नहीं लेने देगी।